एक बहुत ही प्यारी स्पेशल फिल्म कांतारा लेकर आए हैं। जब मैंने कांतारा देखी मुझे बहुत प्यारी लगी एंड पूरे देश को प्यार मिला कांतारा ने दिया। आपको कैसा लग रहा है इतना सक्सेस मिला, इतना फेम मिला, इतना प्यार मिला ऑडियंस से? सर वो मैं डेफिनेटली खुश हूँ लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ क्योंकि इंडस्ट्री छोड़ के बाहर देखा तो हम वन फिल्म वंडर है। ओके सो ये पहला फिल्म है बाहर ऑडियंस के लिए। तो उससे पहले मैं बहुत साल से कन्नड़ा इंडस्ट्री में काम कर रहा था और कन्नड़ा फिल्म भी कर रहा था बाहर, तो इट्स डेफिनेटली वन फिल्म वंडर। सो लेकिन जो एक फिल्म है मेरा फेस भी पता नहीं था लोगों को, लेकिन ये कांतारा पूरे देश में लेके आके मुझे इंट्रोड्यूस किया और इतने सारे प्यार और रेस्पेक्ट सो विशेस कर रहे हैं लोग। सो थैंक्स टू कांतारा एंड द ऑडियंस। सो हाउ योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ हैज चेंज्ड आफ्टर द सक्सेस ऑफ कांतारा? थोड़ा ज्यादा काम कर रहे हैं बस, दैट्स इट, सो अदरवाइज नथिंग। तो दूसरा तो समय भी नहीं है, मतलब अभी पूरे प्रिपरेशन में है हम लोग चैप्टर वन के लिए, सो वही काम पे लगे। चैप्टर वन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कांतारा में भी आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं किए थे ना, मतलब सिर्फ सिनेमा आने के बाद तो लोग जो लोग देख के इतने एक सिचुएशन आ गया, तो इतना रीच हो गया। सो आई थिंक एक्सपेक्टेशन के बारे में वो दो चीजें नहीं है मेरा, मतलब एक्साइटमेंट एंड एक्सपेक्टेशन, सिर्फ काम करना है तो इट इज ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वो पूरे के पूरा मैं काम पे लगाने के लिए सोचता हूँ। सो एक्सपेक्टेशन एक पोस्टर रिलीज किए और एक ग्लिम्स भी रिलीज किए, सो आई थिंक लोगों को छोड़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक पोस्टर और एक ग्लिम्स रख के इतने सारे बात करते, आई थिंक लोग बात किया तो अच्छा रहेगा हम ज्यादा बात नहीं करना। सर कांतारा की बात की जाए तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे उस कैरेक्टर में आने के लिए, अब डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर एक्टर डिफरेंट जॉब्स में कैसे आपने जगह की? मतलब वो सिर्फ समय का इशू है, सिर्फ टाइम, सो 24 आवर्स तो कम हो रहा है, मतलब उतना काम है। अदर देन दैट हम हमारा टीम सब मिलकर लिखते हैं और प्रिपरेशन का पूरा डिस्कशन करते हैं और प्रोडक्शन का भी और एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो सब हम लोग सोचते हैं और चर्चा करते हैं, और उसमें ज्यादा ये नहीं है, डिफिकल्टीज नहीं है। हम ये फिल्म बनाने के लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन समय का जो ये होता है इतना भी, हम इतना वर्क किया तो भी कम है, सो ऐसा इसलिए इतना टाइम लिया है। आप सर यहाँ पे इतनी अच्छी एक पार्ट है आप में, आप ऑडियंस को इंस्पायर करते हैं। जब आपने जर्नी स्टार्ट करी थी एक्टिंग से पहले भी आपने डिफरेंट जॉब्स ट्राई करी, आप क्या उसे याद करते हैं जो आपने वहां पर सीखा था काम? डेफिनेटली वो मतलब ऐसा कुछ मेमोरी लॉस नहीं होना चाहिए सो किधर से आए हम लोग वो बोलना नहीं चाहिए। So that is the experience and that helps me to take a journey to here. So वो मेरा पूरा फिल्म में भी वो सब कहानियां आता है, सीन्स आता है, तो वो क्या है क्या एक्सपीरियंस किया हूँ मैं, डेफिनेटली मैं बोलना नहीं चाहता हूँ सब। लास्ट क्वेश्चन सर, पूरा अब इंडियन सिनेमा मिलके काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे के फिल्म्स में आ रहे हैं, प्रमोट करने में हेल्प कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? दिस अ गुड थिंग, बहुत साल पहले से ही शुरू होना चाहिए था लेकिन अभी शुरू हो रहा है, सो इट इज नॉट लेट, सो हो रहा है, बहुत देख के बहुत खुशी हो रहा है। किसी एक्टर के साथ आप जरूर काम करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, ड्रीम वर्क? ऐसा कुछ ये नहीं है, मतलब एक स्क्रिप्ट मिला तो काम करने का एक मौका मिला तो डेफिनेटली करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।